मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक अगेन टू नेक्स्ट वीडियो। और अभी हम लोग सुस में हैं और मैं होटल से बाहर निकल के इस वीडियो में आपको बीच दिखाता हूँ जो कि फ्रंट में है। आपने मेरे लास्ट वीडियो में जहाँ मैंने रूम का रिव्यू किया था उससे देखा होगा। और अभी मैं लिफ्ट की लॉबी से नीचे जा रहा हूँ और लिफ्ट के थ्रू नीचे जा रहा हूँ। और इसमें आप बीच पे देखेंगे लोग स्नॉर्कलिंग वगैरह कर रहे हैं, वो मैंने वीडियो में रफली स्कूबा डाइविंग वर्ड यूज़ किया है। बट ब्रेकफास्ट करके मैं बाहर निकलूँगा, कैसा इसका स्विमिंग पूल वगैरह है और सब कुछ कैसा दिखता है वो सब आपको दिखाऊँगा। और बीच भी और सैंड भी काफ़ी डिफरेंट टाइप का है, जैसे नॉर्मल बीचेस पे होता है वैसा नहीं है यहाँ का। और हम लोग हैं ट्यूनिशिया। थैंक यू फॉर वाचिंग। और ये एक मूवमेंट पिक होटल है, सुस एक सिटी है, काफ़ी हिस्टोरिकल सिटी बताते हैं इसको। और ये करीब ट्यूनिस कैपिटल से आप बोल सकते हो अराउंड 130 किलोमीटर है। और टूरिस्ट वगैरह काफ़ी आते हैं यहाँ से, यूरोप से भी, लोकल अरब कंट्रीज से भी। और ये होटल और इसका बीच है और स्विमिंग पूल वगैरह, और काफ़ी अच्छा होटल है। और बीच का भी मैं आपको दिखाता हूँ, ऑलमोस्ट वंडरफुल है, पानी काफ़ी साफ़ है, लेकिन सर्दी का मौसम है अभी तो कोई अंदर जाता नहीं है। और मौसम वैसे साफ़ रहता है अपना इंडिया की तरह, या ऐसा नहीं है कि सर्दी है तो फॉग वगैरह से विजिबिलिटी ख़राब हो जाए, विजिबिलिटी हमेशा रहती है यहाँ पे। और काफ़ी बड़ा बना हुआ है और प्रोबेबली उसका मोस्ट फेमस होटल है ये। और सारी चीज़ें वेल ऑर्गेनाइज्ड, वेल प्लान्ड, वेल लोकेशन कह सकते हो, काफ़ी एक्साइटिंग लोकेशन पे भी है। और अभी सीढ़ियों से नीचे जाके आपको दिखाता हूँ, ये ब्रेकफास्ट एरिया है नीचे, इसके लिए मैं अलग से एक वीडियो डालूँगा। अभी भी कुछ कुछ अंडर कंस्ट्रक्शन है इसका काम, मे भी कुछ प्लान किया होगा। यहाँ पे स्विमिंग पूल वगैरह है, तो सर्दी का टाइम है तो इसलिए लोग ज़्यादा कुछ आते नहीं है। और वैसे भी अगर आपको स्विमिंग पूल वगैरह का वो लेना है तो एक यहाँ पे गर्म पानी का भी है, स्पा टाइप आप बोल सकते हो, स्विमिंग पूल है अंदर, उसमें जा सकते हो। अभी आपको दिखाता हूँ। और ये पूरा पानी है ना, ये सी वाटर है, इसमें क्लोरीन वगैरह काफ़ी है तो आँखों में काफ़ी चुभता है अगर आप यहाँ पे गए तो। मैंने ट्राई किया था बट इवनिंग में, ये गर्म वाले में ट्राई किया था, जो सामने आपको दिख रहा है एक गर्म वाला है। और वहाँ पे अगर ऊपर आपको दिख रहा होगा वो मेरा रूम है, 8th फ्लोर पे, टॉप पे मेरा ही है। उसका भी एक बार स्लाइडर लॉक हो गया था, बाहर निकल के मैं वो दरवाज़ा ऐसे ही बंद कर दिया था तो लॉक हो गया, फिर गार्ड वार्ड को बुलाया यहाँ से उसको। ये गर्म पानी रहे, ये अंदर भी आप रह सकते हो, अंदर से भी मैं दिखाऊंगा आपको सुबह शाम कभी जाऊंगा तो। और ये वाला बाहर आप निकल सकते हो, यहाँ पे एक गेट लगाया हुआ है, ऑल्दो ये क्लोज़ किया हुआ है क्योंकि ठंडी हवा चलती है, तो सो देट कि आपको जब इसमें नहा रहे हो तो पानी गर्म है, ऊपर से पानी हवा ठंडी है वो ना लगे, इसके लिए ये ग्लास लगाया हुआ है चारों तरफ इस पूल के। और ये नॉर्मल सी वाटर का है। ये इधर का सी एरिया है, बीच एरिया है, सी एरिया तो नहीं। और ये पूरा जो कोस्ट लाइन आपको दिखेगी यहाँ से दूर से और वहाँ तक, यहाँ पे सब होटल बने हुए हैं, ऑलमोस्ट 5 स्टार है या जो भी हैं। और एक
सैंड यहाँ की एक अजीब सी है, मेरे ख्याल से अपने उधर तो ऐसा होता नहीं है, बारीक, कुछ ज़्यादा ही बारीक सैंड है यहाँ से। यहाँ पे आपका ऐसे जैसे अपने उधर होती है गांव में चिकनी मिट्टी होती है ना, वो वैसा टाइप का है। काफ़ी काफ़ी स्लिपरी सैंड है, आप पैर रखोगे तो अपने आप ही स्लिप होता है, काफ़ी बारीक है प्रोबेबली इस वजह से। और अभी टूरिस्ट एक्टिविटीज़ वगैरह इतनी हो नहीं रही है क्योंकि सर्दी का मौसम है, लोग पानी वानी में कम ही जाते हैं, बस बीच के आजू बाजू ही घूमते रहते हैं। और ये वो होटल है जो आप देख रहे थे, वहाँ पे मैं स्टे कर रहा हूँ, और ये 8th फ्लोर पे कहीं पे मेरा रूम है, सामने आपको दिख रहा होगा वो वाला। और ये हट्स वगैरह बनी हुई है, लेकिन गर्मी के मौसम में यहाँ डेफिनेटली काफ़ी भीड़ रहती होगी। पानी भी साफ है, सैंड भी काफ़ी क्लीन है, बीच भी काफ़ी क्लीन है। ये दूसरे कुछ होटल हैं, और ये जितना भी 8-10 किलोमीटर का पूरा रन है ये इस सब में होटल है, और उनको ये बीच मिला हुआ है। प्रोबेबली प्राइवेट बीच तो नहीं बोल सकते क्योंकि लोग इधर उधर से आते हैं और घूमते रहते हैं, ऐसा कुछ रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि बाहर से लोग आ नहीं सकते बीच पे। आते हैं जैसे ये लोग घूम रहे हैं, आपको दिख रहा होगा। और सैंड काफी स्लिपरी है, अपने उधर जैसा नॉर्मल नहीं है। ये पानी थोड़ा नीचे गया हुआ है, मे बी टाइड वाइड के हिसाब से जो भी है, अभी पीछे गया हुआ है, अदरवाइज ये ऊपर तक वहाँ तक इसका पूरा जो वेव है वो अभी। और यहाँ पे आप देखोगे तो लेफ्ट साइड में प्रोबेबली यूरोप है, लेफ्ट एरिया में अगर मेरे हाथ की तरफ देख रहे हो तो, और राइट साइड में आपको यूएई वगैरह और ये सब कंट्रीज हैं, और ट्यूनीशिया इटली के काफ़ी पास में है। अगर आप 2-3 घंटे बोट से जाओगे तो आप इटली पहुंच सकते हो यहाँ से। और ये कुछ लोग हैं, आपको दिख रहे होंगे, स्कूबा डाइविंग कर रहे हैं किनारे पे, अगर आप देखो तो। वो एक दो लोग उधर घूम रहे हैं, लोग आते हैं अपना किट वगैरह लेके यहाँ पे और स्कूबा डाइविंग करनी है किसी को, वैसे भी अगर स्विमिंग करनी है तो भी। और वैसे घूमना है तो भी, वेदर में विजिबिलिटी काफ़ी है, आपको ऐसा फील नहीं होगा सर्दी का मौसम है, लेकिन धूप की इंटेंसिटी भी काफ़ी तेज़ है। धूप आपको लगेगी तो बहुत बहुत तेज़ से लगती है, अगर आपको हवा नहीं लग रही होगी ठंडी, और कहीं कांच वाँच या जैसे भी आप ऐसी जगह पे बैठे हैं हवा नहीं, और जिस जहाँ सिर्फ धूप आ रही है तो काफ़ी काफ़ी स्ट्रॉन्ग। पानी भी बहुत क्लीन है, ऐसा नहीं है कि पानी साफ नहीं है। और ये मालूम नहीं, वैसे तो पूरा बीच ही है, सैंड एरिया ही है, बट क्या स्कूबा डाइविंग में क्या कर रहे हैं मेरी तो समझ से बाहर है, क्या ढूंढते रहते हैं चारों तरफ। और चारों तरफ का व्यू की बात करें तो कुछ ऐसा लगता है, ज़्यादातर लोग यहाँ पे फ्रेंच ही आते हैं क्योंकि ट्यूनीशिया फ्रेंच के अंडर था, और यहाँ पे गवर्नमेंट स्कूल्स में भी फ्रेंच वगैरह पढ़ाई जाती है। ये सब आपकी जिधर भी नज़र जाएगी वो पूरे सब होटल्स हैं, बीच काफ़ी क्लीन है, लेकिन गर्मी का मौसम है नहीं तो ज़्यादातर लोग इसमें कोई एंट्री करता नहीं है। और
और पीछे वो देख रहे हो आप होटल्स हैं, जहाँ भी आपकी नज़र जाएगी सब होटल्स हैं और लोग। थोड़ा सा वहाँ पे पेमेंट भी कुछ बनाया हुआ है साइड में, वो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको दिखाता हूँ। अभी यार मेरे को थोड़ा काम है तो वापस चलता हूँ रूम में, ऑफिस का थोड़ा काम करता हूँ और उसके बाद आपको फिर से एक बार बाहर निकलूँगा तो ट्यूनिस का दूसरा एरिया दिखाऊँगा। एक चीज़ और स्ट्रेंज आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे ये लोग रेत को छानते रहते हैं, अगर उसमें कुछ कंकड़ वगैरह पेबल्स और दूसरे पार्टिकल्स हैं, पॉलीबैग वगैरह अगर कुछ को लोग डाल देते हैं तो ये बीच के रेत को साफ कर करके वापस से डालते रहते हैं। ये देखिए ऑलरेडी इन्होंने इतना, ये जैसे अपने इंडिया में यूज़ करते हैं गेहूँ सरसों छानने के लिए, या पहले रेत भी छानते थे, सेम तरीके का वो लगा रखा है और रेत छान छान के साफ कर रखा है। क्योंकि मेन थिंग ये है कि ये जो बना रखी है हट्स वगैरह, इनके ये गिरते रहते हैं, सूखी हुई है, मालूम नहीं है किस चीज़ की, पर जो भी है ग्रास टाइप कुछ किसी से बना हुआ है ये हट, और इनका ये हवा से अक्सर उड़ के नीचे गिरता रहता है, ये आपको दिख भी रहा होगा, इसी वजह से ये लोग इसको रेत को साफ करते रहते हैं।